हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो प्रॉफिबस कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, वो होता क्या है, और दूसरा उसमें प्रॉफिबस में दो टाइप आपने सुने होंगे, प्रॉफिबस डीपी और प्रॉफिबस पीए। तो प्रॉफिबस डीपी और प्रॉफिबस पीए में डिफरेंस क्या होता है स्ट्रक्चर की फॉर्म में, मैं आपको प्रैक्टिकली प्रॉफिबस डीपी का स्ट्रक्चर जो हमारे पैनल्स है उसमें दिखाऊंगा कि डीपी क्या होता है, और प्रॉफिबस पीए कैसा होता है वो भी आपको दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग्स। डीपी और पीए दोनों ड्राइंग की हेल्प से दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि डीपी और पीए में डिफरेंस क्या होता है। दूसरा दोस्तों, जैसा मैंने एक वीडियो बनाया था फील्ड बस कम्युनिकेशन पे, उसके कुछ प्रोटोकॉल से उसकी कुछ स्पीड थी, सेम तरीके का प्रोटोकॉल ये भी फॉलो करता है प्रॉफिबस कम्युनिकेशन। पहले तो मैं आपको बता दूं प्रॉफिबस कम्युनिकेशन का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, वो होता है प्रोसेस फील्ड बस। आपने ना प्रॉफिबस यानी प्रोसेस फील्ड बस, जो प्री आई है वो प्रोसेस का था और एफ आई फील्ड का और बस का, यानी एक ऐसा बस जो प्रोसेस को फील्ड से प्रोसेस फील्ड को कनेक्ट कर सके। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये क्यों यूज़ किया जाता है। दोस्तों होता क्या है कि हमारे पास जो पीएलसी पैनल्स होते हैं या डीसीएस के पैनल्स होते हैं उनको और जो फील्ड डिवाइसेस है उनके इनके बीच के कम्युनिकेशन अगर हमें कराना है तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिबस यूज़ करना पड़ेगा। तो जो फील्ड से हमारा वायर आ रहा है वो हमारे आयो चैनल्स पे जाएगा यानी आयो कार्ड्स पे जाएगा, फिर उस आयो कार्ड का कम्युनिकेशन हमारे कंट्रोलर से होना चाहिए। तो यहाँ पे पिक्चर में आता है प्रॉफिबस। तो उस आयो कार्ड से कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे कंट्रोलर में और कहाँ पे डीपी लग रहा है कहाँ पे पीए लग रहा है, अब मैं आपको चल के पैनल पे दिखाता हूँ। तो पैनल पे चलते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिबस डीपी क्या है, पहले वहाँ समझते हैं फिर मैं आपको ड्राइंग की हेल्प से आपको समझाता हूँ। तो ये देखिए, हमने एक कंट्रोलर रैक खोल लिया है, कंट्रोलर पैनल खोल लिया है। सबसे पहले आप ये देख लेंगे यहाँ पे हमारा कंट्रोलर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा ये आप पर्पल कलर की केबल देख रहे हैं, दो कलर आते हैं, सबसे फेमस कलर तो पर्पल कलर है, उस पर्पल कलर और ये जो एक स्पेशल टाइप का कनेक्टर है दोस्तों, इस स्पेशल कनेक्टर से आप समझ जाइएगा ये प्रॉफिबस का कम्युनिकेशन है, क्योंकि प्रॉफिबस कम्युनिकेशन इसी टाइप के कनेक्टर से कनेक्ट होता है। इसके बगल में आप छोड़ दीजिए वो क्या है, ये हमारा कंट्रोलर होगा, ये हमारा कम्युनिकेशन कार्ड हो गया प्रॉफिबस का। अब दोस्तों हमने आपको बताया था प्रॉफिबस डीपी के बारे में, सबसे पहले आपको बताएंगे डीपी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज पेरिफेरल्स। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, आप अपनी लोकेशन से किसी और लोकेशन पे चले जाए। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे पीएलसी या डीसीएस में क्या होता है, इस कम्युनिकेशन कार्ड के बगल में आयो कार्ड लगे होते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों लोकल मोड। ये वो होता है लोकल मोड, यानी आपके लोकली सारे कार्ड लगे हुए हैं। अब क्या है दोस्तों कि आपके बहुत सारे आयो कार्ड हैं, इतने सारे आयो कार्ड हैं, इतने सारे आयो चैनल से यानी 1000-2000 आयोज हैं, अब आप एक ही साथ तो यहाँ लगा नहीं सकते, बहुत सारा भर जाएगा। तो हमने क्या किया, उसके अलग पैनल्स कर दिए। अब उसके अलग पैनल्स कर दिए तो उनके उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो ये हमने क्या किया, पहले तो ये जो आयोज हमने अलग किए हैं उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज पेरिफेरल्स। तो डीपी हमेशा वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपका कंट्रोलर से आपका जो आयो पैनल्स हैं या आयो का कम्युनिकेशन है वो किसी और लोकेशन पे हो रहा है या इसके जस्ट नीचे भी हो रहा होता तो भी उसे डीपी बोलेंगे, लेकिन अगर इसके बगल में लगा होता है तो वो डीपी नहीं होता, वो लोकल मोड होता, वहाँ पे डीपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता क्योंकि वो केबल का यूज़ नहीं करते, वो पीछे जो लगी रैक है उस बैक प्लेन से ही आपस में कम्युनिकेशन कार्ड आयो कार्ड कंट्रोलर सब आपस में कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इस कार्ड को कम्युनिकेशन कराना पड़ेगा हमारे फील्ड के नोड से। ये दोस्तों एक नोड है, हम अब एक दूसरे नोड पे चलते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम डीपी प्रॉफिबस डीपी की बात करेंगे वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन कराने के लिए एक मास्टर कार्ड होगा, ये मास्टर प्रॉफिबस कार्ड है जो हमारे आयो रैक वाले नोड से कनेक्ट करवाएगा स्लेव कार्ड से। और कई सारे नोड्स आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होंगे विथ पैरेलल कम्युनिकेशन, वो आपको ड्राइंग की समझ में हेल्प आएगी। तो चलिए मैं आपको एक नोड पे ले चलता हूँ, तब आपको समझ में आएगी ये केबल वहाँ पे कैसे जा रही है। तो ये हम आ गए हैं एक नोड पे, जैसा कि आप, मैं पहले तो आपको दिखा दूं कि हम कौन से नोड पे, एक ये लिखा हुआ है N6, आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, तो N6 मतलब नोड 6, ये है नोड 7, ये है नोड 8। अब आप देख रहे होंगे वहाँ पे हमने आपको दिखाया था एक मास्टर कार्ड है, वो मास्टर कार्ड में दो कनेक्टर लगे हुए थे, दो कनेक्टर रिडंडेंसी देने के लिए लगे हुए थे, ये है स्लेव प्रॉफिबस के कार्ड, स्लेव प्रॉफिबस कम्युनिकेशन कार्ड। वो जो दो कनेक्टर थे वो यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं आके, और यहाँ पे भी कनेक्ट हुए, यहाँ पे इसलिए कनेक्ट हुए ताकि इस वाले नोड से वो कम्युनिकेट कर सके और इस वाले से। अब आप सोच रहे होंगे वहाँ से दो वायर आए थे, वो दो वायर अगर दो वायर सीधे यहाँ जाके लग जाएंगे, इसके बाद ये और ये कहाँ से कैसे लगेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको दिखाऊंगा पीछे, तो इसमें दो वायर लगे हुए हैं, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा एक कनेक्टर में दोस्तों दो वायर लगे हुए हैं। तो दो वायर का काम क्या होता है,
कि एक वायर आपका इन का होता है और एक वायर आउट का, मतलब एक वायर यहाँ आया एक वायर यहाँ पे चला गया। मैं अभी आपको ड्राइंग की हेल्प से दिखाऊंगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर आपका नोड बहुत ही दूसरी लोकेशन पे है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। सपोज करिए आपने आपका नोड आपके फील्ड डिवाइसेस बहुत दूर लगी हुई हैं, वहाँ से आप केबल लेके आओगे, खूब सारी केबल का खर्चा बढ़ेगा, फिर यहाँ पे कनेक्ट करोगे। इससे अच्छा है कि हम इस नोड को उठा के वहाँ तक ले जाएं और उस नोड को हम इस सिर्फ एक ये इस केबल से हमारे कंट्रोलर में ला के कनेक्ट कर दें तो हमारा कम्युनिकेशन आसानी से हो जाएगा और बहुत सारा पैसा बच जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज पेरिफेरल। अब मैं आपको ड्राइंग की हेल्प से बताता हूँ कि वो कैसा होगा। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे ड्राइंग बना ली है, ये मेरा कंट्रोलर है, जैसा कि आपने देखा था ये मास्टर प्रोफिबस कार्ड है, ये वो कनेक्टर है जिससे प्रोफिबस की पर्पल केबल कनेक्ट हुई थी, ये मेरा नोड है। अब देखिए ये वायर आया, ये वायर यहाँ ला के लग गया, ये वायर आया यहाँ ला के लग गया। इसमें क्या करते हैं, मैंने सिंगल वायर बनाया, इसमें एक डबल वायर बनता है, वो दूसरा वाला वायर जो होता है इस वाले नोड पर जाता है और दूसरा वाला वायर इस वाले नोड पर जाता है। यानी आपका जो ये नोड देखिए बहुत दूर है, 500 मीटर है, तो इसके बीच में कम्युनिकेशन दोस्तों कैसे हुआ, हम फील्ड डिवाइसेस के वायर को यहाँ तक लेके आए बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, प्रोफिबस का कम्युनिकेशन करा दिया उस फील्ड डिवाइसेस तक और उसी लोकेशन पे लगा दिया जहाँ पे मेरी सारी फील्ड डिवाइसेस लोकेटेड हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा कम्युनिकेशन बच गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज पेरिफेरल दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रोफिबस डीपी। अब आपको समझ में आ गया कि प्रोफिबस डीपी क्या है, जब आप प्रोफिबस पीए पढ़ लेंगे तो आप डीपी एकदम क्लियर हो जाएगा, डीपी और पीए में अंतर क्या है। तो सबसे पहले आपको और चीज़ बता दूं कि इसमें जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है वो 9.6 kbps टू 12 mbps तक होती है और इसमें जो केबल हम यूज़ करते हैं नॉर्मल RS-485 केबल यूज़ करते हैं जो प्रोफिबस की मेक हो। अब हम बात करते हैं प्रोफिबस पीए की। तो प्रोफिबस पीए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोसेस ऑटोमेशन। जहां तक आपको समझ में आ रहा है प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करें, यानी हम फील्ड डिवाइसेस की बात करेंगे दोस्तों। जैसा मैंने एक फील्ड बस का कम्युनिकेशन का वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ये सेम उसी कॉन्फिग्रेशन पे, उसको भी फील्ड बस वाले कम्युनिकेशन कैसे होता है वो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। से अगर आपने वो देख रखा है तो ये आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपने नहीं देख रखा है तो आपको ये देखने के बाद वो भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, डीपी कनेक्शन का खाली कार्ड यूज़ करते हैं। अब जैसे सपोज करिए आप चाहते हैं कि मैं अपने कार्ड को ही हटा दूं, मैं अपने कार्ड्स को नहीं रखना चाहता, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको करना होगा सबसे पहले जो फील्ड डिवाइसेस है वो एक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटर में कनेक्ट करानी पड़ेगी, जो प्रोफिबस का फील्ड डिस्ट्रीब्यूटर होगा पीए सिस्टम का। आपने फील्ड डिस्ट्रीब्यूटर इसे दोस्तों बोलते हैं स्पर, जैसा कि फील्ड बस कम्युनिकेशन में भी जो फील्ड डिवाइसेस का जो तार होता है उसे बोलते हैं दोस्तों स्पर। ये स्पर है, यानी जहां फील्ड डिवाइसेस कनेक्ट होती है, ये होता है एक स्पर, ये दूसरा स्पर, ये तीसरा स्पर, जिससे फील्ड डिवाइसेस कनेक्ट हैं। इसे आप जेबी भी बोल सकते हैं, लेकिन जेबी वो नहीं नॉर्मल जेबी, ये प्रोफिबस की जेबी यानी फील्ड डिस्ट्रीब्यूटर। फिर ये सारी जेबी आपस में एक कनेक्ट होती है प्रोफिबस सेगमेंट कपलर में। इसके बाद ये कहाँ दोस्तों कलेक्ट होती है, जाके सेगमेंट कपलर में। सेगमेंट कपलर में इसलिए कनेक्ट होती है क्योंकि हमारा कंट्रोलर जो होता है वो प्रोसेस पीए को नहीं जानता है, प्रोसेस पीए कम्युनिकेशन को नहीं जानता, तो प्रोसेस पीए के कम्युनिकेशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कन्वर्टर से या सेगमेंट कपलर से। वो क्या करेगा, प्रोसेस पीए को प्रोसेस डीपी में कन्वर्ट कर देगा और डीपी हमारे कंट्रोलर से कम्युनिकेट कर लेगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में हमारा सारा आयो का जो चैनल है वो आयो कार्ड है वो सारा हट गया, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोलिंग जो है वो सिंगल वायर में हो गई और सारा जो कंट्रोलर है क्या डिसीजन लेना है वो सारा एग्जैक्टली फील्ड में हमारा चला गया। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन हमें जो होती है वो फिक्स्ड होती है, वो 31.25 kbps होती है, जो इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। तो ये था प्रोसेस पीए का स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर। तो अब आप समझ होंगे कि डिसेंट्रलाइज पेरिफेरल्स वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत सारे आयोज होंगे, बहुत बड़ा डीसीएस का सिस्टम होगा, और प्रोसेस ऑटोमेशन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे सिस्टम होगा बहुत बड़ा लेकिन एक लिमिटेशन तक। इसमें हम 32 नोड्स ही ऐड कर सकते हैं, 32 नोड्स से ज़्यादा हम ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे एक लिमिट है हमारे पास, और यहाँ पे भी लिमिट है लेकिन 32 नोड ऐड करने की लिमिट है। तो नोड्स हम ऐड करेंगे तो उसमें कई सारे आयोज ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोसेस ऑटोमेशन, जो प्रोसेस डीपी से काफ़ी अलग है। तो प्रोसेस ऑटोमेशन लोअर लेवल पे आता है और प्रोसेस डीपी जो होता है वो हायर लेवल पे आता है, आईओ लेवल पे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका आपको जवाब देंगे। इसके अलावा आप किसी और कम्युनिकेशन मीडियम पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, हमने ईथरनेट फील्ड बस प्रोफिबस भी वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। इसके अलावा आप किसी और कम्युनिकेशन मीडिया पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।